हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू SBI बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को चेंज करना जानेंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए आपके पास फर्स्ट जिस नंबर को आप चेंज कर रहे हैं वो वाला नंबर यानी सिम कार्ड होना चाहिए। सेकंड, आपके पास ATM कार्ड होना चाहिए, तभी आप अपने बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास जिस नंबर को आप चेंज कर रहे हैं वो वाला नंबर यानी सिम कार्ड नहीं है तो आप अपने बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, तो इसका आप ध्यान रखें। उसके बाद से आपको अपने मोबाइल या डिवाइस में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। ओके, क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च बार में ऑनलाइन SBI टाइप करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट वाले वेबसाइट https://www.onlinesbi.com पर क्लिक करना है। ओके, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको टॉप में पर्सनल बैंकिंग में यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, जैसे आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको टॉप में कंटिन्यू टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अपने इंटरनेट बैंक को लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ आपको अपना इंटरनेट बैंक का यूजर नेम और नेक्स्ट पासवर्ड और जो एक कैप्चा कोड दिख रहा है इसको आपको यहाँ एंटर करके अपने इंटरनेट बैंक को लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, जैसे आप यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको वन टाइम पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा जो आपके बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर भेजा गया हो, तो उससे आपको यहाँ एंटर करना है। तो चलिए मैं एंटर कर देता हूँ। अगर आपको OTP रिसीव नहीं हुआ है तो यहाँ नीचे क्लिक हेयर टू रिसेंड द OTP पर क्लिक करके आप फिर से OTP रिसीव कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने OTP को एंटर कर देता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स OTP रहा 7961 7961 963 9673। OTP एंटर करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन होने के बाद आपको लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद से आपको माई अकाउंट एंड प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप माई अकाउंट एंड प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको इसे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको पर्सनल डिटेल सेलेक्ट मोबाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप पर्सनल डिटेल सेलेक्ट मोबाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अपने इंटरनेट बैंक का प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करना है। तो चलिए मैं एंटर कर देता हूँ। ओके, प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ जाता है और मोबाइल नंबर के नीचे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, चेंज मोबाइल नंबर थ्रू ब्रांच एंड देन सेकेंड चेंज मोबाइल नंबर डोमेस्टिक ऑनली थ्रू OTP/ATM/contact center। तो आपको सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ओके, जैसे आप सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ न्यू मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप जिस नंबर को आप न्यू नंबर को ऐड करना चाहते हैं उसे यहाँ एंटर करें। तो चलिए मैं एंटर कर देता हूँ। ओके, उसके बाद आपको फिर से न्यू नंबर को री एंटर करना है। तो चलिए मैं री एंटर कर देता हूँ। न्यू नंबर को री एंटर करने के बाद फिर से आप कंफर्म कर ले। ओके, तो चलिए मैं कंफर्म कर लेता हूँ। फिर से कंफर्म करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद से वेरीफाई एंड कंफर्म योर मोबाइल नंबर कंफर्म करने के बाद आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, जैसे आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन आ जाते हैं सेट द मोड टू अपडेट द मोबाइल नंबर। तो यहाँ आपको फर्स्ट आ जाता है बाय OTP ऑन बोथ द मोबाइल नंबर और सेकेंड आता है इंटरनेट बैंक रिक्वेस्ट अप्रूवल थ्रू ATM एंड सेकेंड आ जाता है आपको अप्रूवल थ्रू कॉन्टेक्ट सेंटर। तो आपको बाई OTP ऑन बोथ द मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
उसके बाद से यहाँ आपको अपने अकाउंट को सिलेक्ट करना है, पहले से सिलेक्ट है, अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो उसे आप सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको फिर से प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ आपको अपने कार्ड नंबर का, आप जितने भी आपके पास एक्टिव एटीएम कार्ड होंगे वो सब आपको यहाँ दिख जाएंगे, तो आपको उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो चले मैं, मेरे पास एक ही है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से आपको कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, जैसे आप कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका, आपको अपने कार्ड का, एटीएम कार्ड का यहाँ एक्सपायरी डेट एंड मंथ का एंटर करना है। तो चले मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद से यहाँ कार्ड का होल्डर नेम एंटर करना है। ओके, उसके बाद से यहाँ अपने एटीएम कार्ड का पिन नंबर एंटर करना है। तो चलिए मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद से जो एक कैप्चा कोड दिख रहा है इसे आपको यहाँ एंटर करना है, F7527। उसके बाद से ये सब एंटर करने के बाद आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ आपका ये सक्सेस हो चुका है, ये सक्सेस हो चुका है प्रोसेस। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ कह रहा है, थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग मोबाइल नंबर विथ अस, द स्टेटस ऑफ रिक्वेस्ट इज पेंडिंग, काइंडली कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सिलेक्टेड बाय यू। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ क्लिक हेयर पर, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको आपको अप्रूवल कराने के लिए, यहाँ आप इस फर्स्ट नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट किए थे वहाँ पे, इफ़ यू हैव से चूज बाई ओटीपी ऑन बोथ द मोबाइल नंबर वाले हम लोग, मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया था तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट किए थे, तो आपको दोनों मोबाइल नंबर, जिस न्यू नंबर को आप ऐड किए हैं वो और जो जो आपके पास पहले वाला मोबाइल नंबर था उस पर एक मैसेज गया था। उस मैसेज को आपको मैं बता देता हूँ क्या करना है। मैं अपने मैसेज को ओपन कर लेता हूँ। ओके, नोटिफिकेशन में आप यहाँ मैसेज आया है, फ्रेंड्स यहाँ डियर कस्टमर टू चेंज अपडेट योर मोबाइल नंबर, प्लीज़ सेंड द फॉलोइंग ओटीपी एंड रिफ्रेश नंबर इतना एंड एक्टिवेट। आपको ये वाला जो मैसेज है इसको आपको 567676 दोनों, ये मैसेज दोनों मोबाइल नंबर पर, ओल्ड और न्यू दोनों मोबाइल नंबर पर गया होगा, तो इस मैसेज को आपको दोनों मोबाइल से सेंड करना है 567676 पर। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से सेंड करना है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, कॉपी करने के बाद आपको मैसेज में टाइप करना है, यहाँ मैं टाइप कर लेता हूँ प्लस। ओके, और यहाँ टेक्स्ट मैसेज में मैं यहाँ इसे पेस्ट कर देता हूँ, और आपको जो एक्टिवेट है इस यहाँ तक ही आपको, और पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, इस पर सेंड करना है। उसके बाद से आपको इस सब को कट कर देना है। कट करने के बाद आपको एक्टिवेट स्पेस दिस नंबर स्पेस आपको SBI को भी कट कर देना है। उसके बाद से ये सब इतना ही रहने, इतना मैसेज को आपको रखना है। उसके बाद से इसे यहाँ 567676 पर आपको सेंड कर देना है, दोनों मोबाइल नंबर से आपको सेंड करना है। ये दोनों मोबाइल नंबर पर गया, ओल्ड और न्यू दोनों पर गया होगा, तो आपको दोनों मोबाइल से ये वाला आपको मैसेज इस 567676 पर सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर 24 आवर्स या कुछ एक या दो दिन में आपको मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा, जिसे जो न्यू वाला मोबाइल नंबर ऐड किया हो वो एक या दो दिन के बाद अपडेट हो जाएगा, ये दोनों मोबाइल नंबर से ये मैसेज सेंड करने के बाद। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू SBI बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।